पालमपुर के शहीद विक्रम बत्रा मैदान में 22वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। आज इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन पूर्व IPH मंत्री रविंदर रवि ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में देश भर की वॉलीबॉल टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से 8 टीमें लड़कों की और 3 लड़कियों की टीमें शामिल हैं। ये प्रतियोगिता 18 सालों के बाद शिमला को छोड़कर पालमपुर में करवाई जा रही है। इस प्रतियोगिता का समापन 4 नवंबर को पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे। पर्यटन नगरी और बहुत ही धूलाधार यांचल में बसा हमारा छोटा सा नगर पालमपुर में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के वॉलीबॉल फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष और प्रदेश में मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी का। उन्होंने हमें पालमपुर के हमारे वॉलीबॉल क्लब को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। डॉक्टर YS परमार मेमोरियल जो हमारा टूर्नामेंट होता है हर साल, ये पहली बार पालमपुर में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए 8 लड़कों की और 3 लड़कियों की टीमें यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। बहुत ही बढ़िया, पूरे देश से अति महत्वपूर्ण टीमें यहाँ पर जो हैं इस प्रतियोगिता में अपने आप को शामिल किया हुआ है। मैंने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं और ऐसा टूर्नामेंट पालमपुर की धरती में शायद पहली बार देखने को हमें मिला है, जहाँ ऐसे ऐसे खेलों की भावना से हमारी अपनी कल्चर, हमारा अपना संस्कृति का आगे बढ़ता है, वहीं पर पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा पर्यटन जो है उसको बढ़ावा मिलता है। हमारे यहाँ आए कोई मुंबई की टीम है, कोई राजस्थान की टीम है, कोई नेवी की टीम है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की हमारी यहाँ पर टीमें आई हुई हैं। मैं उन सभी का स्वागत भी करता हूँ और उन्हें, जैसे मैंने कई प्लेयर से यहाँ पर बात भी की है, उन्होंने पालमपुर को बहुत पसंद किया है कि ऐसा नगर देखने में हमें पहली बार मिला, छोटा सा एक कस्बा है और पर्यटन की दृष्टि अति महत्वपूर्ण। उन्होंने इसका यहाँ पर जो व्याख्यान किया है वो बताया नहीं बनता। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में खेल की भावना से जोत प्रोत यहाँ पर प्लेयर्स आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छी यहाँ पर प्रतियोगिता ये देखने को मिली है। और इस कड़ी में लगातार भविष्य में भी हमारे जहाँ छोटे बच्चे यहाँ पर खेल हमेशा खेलते रहते हैं, उनको भी इस प्रतियोगिता को देखने के बाद एक अच्छा संदेश वहाँ पर उनको जाएगा और खेल की भावना उनके अंदर भी जागृत होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारीगण, पूरे खेल विभाग के हमारे युवा एवं खेल विभाग के यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी यहाँ पालमपुर को ये प्रतियोगिता आयोजित करने का मौका दिया है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं के मैं तो ये कहूँगा मेहनत के साथ ही ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होने जा रही है और इसका समापन कल होगा हमारे मंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा। पर प्लेयर्स आए विभिन्न खेलों के लिए, उन सभी को न्योता भी देते हैं हम कि पालमपुर में आइए, पालमपुर पर्यटन नगरी है, पालमपुर में बहुत बढ़िया यहाँ पर वातावरण पर्यावरण का यहाँ पर देखने को मिलता है। उनको भी हम न्योता देते हैं कि बार बार यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपी वो जगेश सिंह रंधावा जी से वो शॉल मफलर दे के सम्मानित करें। संजीव राणा जी से अनुरोध रहेगा वो मोमेंटो दे करके रविंदर सिंह रवि जी को सम्मानित करें। एक परंपरा है हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट। प्रदेश के सभी वासियों को, देश के सभी नागरिकों को दीपावली के समापन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं शुरू से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आने वाला वर्ष है वो सुप्रीम सभी के लिए लाभकारी हो और सब मिलजुल करके जो है वो इस राष्ट्र के उत्थान के लिए जो है वो काम करें। आप सबके लिए जो है दीपावली के बाद में
धन्यवाद। मैं राजेश ठाकर गगरेट की जनता को और प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के पर्व के ऊपर देता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि सबके घर में सुख शांति बनी रहे। मैं विजय शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरे गढ़वासियों व प्रदेशवासियों को दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली उनको मंगलमय लाए और सारा खुशियों से भरपूर करे। मैं रणवीर शर्मा कार्यक्रम मैं देश और प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं विधायक सतपाल राजादा ऊना सदर प्रदेशवासियों को मैं और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली का शुभ अवसर खुशियों भरा। मैं विवेक शर्मा जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ऊना अपनी तरफ से अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक्सप्रधान हरिमोहन सिंह जी अपनी ओर से अपने गाँव वासियों को देशवासियों और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं विनोद ठाकर निवासी दौलपुर चौक मंडी बोर्ड जिला ऊना का सदस्य जयराम ठाकुर जी की और विधायक श्री राजेश ठाकुर जी की कृपा से गगरेट मंडल की तरफ से मुझे आप जी ने मौका दिया सेवा करने का, इसके उपलक्ष्य में मैं सभी इलाका निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की देता हूं। मेरी और मेरे मंडल की तरफ से जो भी सेवाएं सभी के घर घर में खुशी की लहर आए और सभी को घर घर दीप जलाए। धन्यवाद। शुभ दिवाली। शुभ दीपावली में सभी महिलाओं को दिवाली के ऊपर सब देशवासियों को दीपावली की बधाई देती हूँ। मैं लक्ष्मी दयाल क्राइम कंट्रोल स्टेट की प्रेजिडेंट, मैं बीजेपी से संबंध रखती हूँ और संगठन में बीजेपी में काम कर रही हूँ लगातार। मैं अपनी तरफ से और गगरेट की जनता की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट ऊना की तरफ से मैं सभी लोगों को दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जी, और कामना करती हूँ ये दिवाली का त्यौहार सभी लोगों के लिए बड़ा ही शुभ कामनाओं के साथ आए और खुशियां भर लाए। मैं राममूर्ति शर्मा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र गगरेट, समस्त ग्राम वासियों और समस्त कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में राजेश ठाकर जिनके लोगों द्वारा वोट डालने पर जो विधायक बने उनकी ओर से भी मैं समस्त इलाका वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रवीण कुमार जुआ मैनू कुटलहड़ ब्लॉक कांग्रेस का बसाल का अध्यक्ष सुरिंदर सिंह जी ने बनाया है, मैं उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। तो प्रदेश वासियों तो देश वासियों मेरे वालों दिवाली दी शुभकामना बहुत बहुत शुभकामना। शर्मा प्रदेश महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल हिमाचल प्रदेश, पूरे प्रदेश वासियों को, जिला ऊना वासियों को, गगरेट विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को समस्त कांग्रेस सेवा दल की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। एसी शर्मा अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपर कुटलहड़, अपनी तरफ से कुटलहड़ वासियों देशवासियों प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ।